भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने शुक्रवार को कहा कि उसके ग्रुप की 13,000 करोड़ की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं, जबकि बैंकों का दावा सिर्फ 9,000 करोड़ रुपए का है। माल्या ने ट्वीट कर कहा कि रोज सुबह मैं जागता हूं तो पता चलता है कि ऋण वसूली प्राधिकरण ने एक और संपत्ति अटैच कर दी है। आखिर न्याय कहाँ है और यह सिलसिला कब तक चलेगा? जनता का पैसा कोर्ट की फीस पर खर्च कर रहे हैं बैंक माल्या। माल्या का कहना है कि भारतीय बैंकों ने इंग्लैंड में अपने वकीलों को मेरे खिलाफ ओछी मुकदमेबाजी करने का लाइसेंस दे दिया है। जनता के पैसे को खुलम खुल्ला मुकदमेबाजी पर खर्च किया जा रहा है। माल्या ने कहा कि भारत में यह दावा किया जाता है कि मैं 9,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गया जिससे सरकारी बैंकों को नुकसान हुआ, लेकिन यह बात सही नहीं है। लंदन की वेस्टमिंस्टर अदालत दिसंबर में विजय माल्या के प्रत्यर्पण की मंजूरी दे चुकी है। वहां की सरकार इस पर आखिरी फैसला लेगी। माल्या को प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ अपील का अधिकार होगा। माल्या पर भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का लोन बकाया है। मार्च 2016 में वह लंदन भाग गया था। पिछले महीने मुंबई की विशेष अदालत ने उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत पहला भगोड़ा घोषित किया था।